कहाँ है मेरा बुड्ढा? चार्जर ले रहा है। चिकू हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिंकी शर्मा। तो भाई आज बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि ना कल का दिन था जो मम्मी पापा ने ना एक प्लॉट लिया है, थोड़ा सा हमारा ये स्टैंड से दूर पड़ता है, तो वो पास में ही लिया है स्टैंड के, तो उसकी ना बाउंड्री करवाने गए थे पापा मम्मी। तो पूरा दिन इसने मम्मी को इतना ज़्यादा मिस किया, मम्मा मम्मा करता करता मतलब पूरा दिन नहीं सोया जब तक पापा मम्मी नहीं आए। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और उसके बाद अब आज का दिन है, सुबह से इसको लूज़ मोशन और वॉमिट लगी हुई है। वॉमिट तो इस टाइम रुक गए हैं, क्योंकि ना मैंने पापा को उसी टाइम सुबह ही दवाई मंगा ली थी, तो दवाई का असर हो गया था वॉमिट में, और लूज़ मोशन नहीं रुके, उसकी वजह से पूरा दिन हो गया मैं इसकी मतलब पॉटी साफ करते करते थक गई हूँ अब जाके। और इस टाइम 7:30 बज रहे हैं, तो मैं ले आई हूँ दूसरी और दवाई जो जल्दी उसे आराम पड़ जाए, कमज़ोरी फील ना हो। सुबह मैं दे रही थी सिर्फ ये वाली दवाई जो लूज़ मोशन के लिए होती है, और इस टाइम मैं ये और दो दवाई और लाई हूँ, मेडिकल स्टोर से ही लाई हूँ। हॉस्पिटल जाना तो इस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो मेडिकल स्टोर एक अंकल है जानकार में, तो वो अच्छा गाइड कर देते हैं कि क्या अच्छा रहेगा क्या अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैं अब 7:30 बजे इसे सुला के, मॉर्निंग में तो बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था तो पापा को भेज दिया था, इस टाइम पे मैंने सुलाया तो 10 मिनट ही सोया और मेरे आते ही फिर जग गया जैसे ही मैं दवाई लेके आई। तो देखती हूँ सुबह तक इसे और आराम पड़ता है या नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। सुबह तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो रखा था ये, शाम के टाइम से थोड़ा सा अब एक्टिव हो चुका है ये, तो अब थोड़ा बहुत खेल रहा है, और शायद टीथिंग की वजह से भी उसे लूज़ मोशन है, क्योंकि ना इसके टीथ बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, ऐसा मैंने किसी बच्चे के में नहीं देखा है जितना इसका हो रहा है, क्योंकि 9 महीने का है और 8 दांत निकल चुके हैं इसके। जब अम्मू थी 8वें महीने में थी तब उसके सिर्फ 2 दांत थे, इसके 6ठे महीने में ही 2 दांत निकल चुके थे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी दवाई का आएगा, कौन सी दवाई दूँ, ये वाली? इसमें अभी मुझे पानी मिलाना है आरओ का, ये दवाई है मेरी, इसमें आरओ का पानी मिलाना है और इसमें नहीं मिलाना पड़ेगा। मैं ओपन करके देखती हूँ, और ना मैं ORS का घोल भी सुबह से कंटिन्यू दे रही हूँ ताकि सहज को पानी की कमी ना हो। तो चिको सबको बताओ आप कैसे खड़े हो, इधर देख के च
चीकू चीकू इधर बताओ अपने फ्रेंड्स को, आप माँ के पैर के सहारे पे खड़े हो, बताओ सबको कि आप माँ के पैर की सपोर्ट से आप खड़े हो जाते हो, बताओ सबको इधर देख के। चीकू चीकू आजकल ना सपोर्ट से खड़ा होने लगा है, तो उसे थोड़ा थोड़ा हैबिट पड़ती जा रही है, तो उसको हमेशा रहता है कि मैं खड़ा हो जाऊँ, तो खड़ा हो जाता है कभी किसके बहाने। जब भी देखेगा किसी का पैर ऊपर को है तो वो हमारा पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है। चीकू इधर देखो बेटे, चीकू क्या देख रहा है? चीकू का बाहर कबूतर देख रहा है भाई, चीकू कबूतर देख रहा है। बेटा मेरा पैर दर्द होने लगा, बेटा पैर ऊपर करे करे दर्द हो रहा है मुझे। अब बैठ जाओ, आप बैठ जाओ बेटा, बैठियो। बेटो इसमें बोलो, देखिए मेरे दोनों हाथ बिजी हैं और वो सपोर्ट से अपने आप ही खड़ा है। एक मेरा ये रहा हाथ और एक से मैंने फोन पकड़ा हुआ है। आज चीकू थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, उसकी तबीयत ठीक है, थोड़ा सुबह से अच्छा फील कर रहा है, लूज मोशन भी उस दवाई से फर्क पड़ा है जो मैं रात को दवाई लाई थी, तो लूज मोशन भी उसके ख़त्म हो चुके हैं और अब थोड़ा सा हंसना वगैरह शुरू कर दिया है सुबह से, नहीं तो कल तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मेरे बच्चा ऐसे ही खुश रहे हमेशा।